शीर्षक है घर की बातें। जब से मैंने होश संभाला है तब से देख रही हूँ बेड पर खड़े होने से पहले, हाथ पर रिमोट पकड़ा है मैंने, आज भी हूँ वो सिर्फ माँ की वजह से। मेरी माँ नहीं, सिनेमा। मम्मी कहती कि मैं बात कर कुछ तो डायलॉग देंगे देंगे, उनका काम है कहना कहना। परेशान हो गई, ये मेरी गलती नहीं है। सिनेमा नाम की जो चिड़िया मेरे सर पर बैठती हुई है ना, उसने मुझे तंग कर दिया है। मैं उससे बोलती उड़ना, लेकिन उड़ती ही नहीं। मैं ड्रामा खाती हूँ, मैं ड्रामा जीती हूँ, मैं ड्रामा सोती हूँ, ड्रामा जिनके घर शीशे के होते हैं वे लोग दूसरे के घर में पत्थर नहीं फेंका करते। उसने मेरा रिपोर्ट का पत्थर फेंक दिया और पूछा क्या है ये। मैंने बोला हुई, मेरा रिपोर्ट का मुझे उठाकर मेरे हाथ में दो, आजकल मैं ये चीजें नहीं उठाती। गुस्से में मम्मी पापा दोनों मेरा बाजू में आकर खड़े हो गए। मैंने बोला तुम दोनों मुझे आपस में घेर लिया है। चुप हो गए। मैंने बोला जैसे नाटक क्यों है भाई, ऐसा कहकर मैं जाने लगी। पर पापा ने मुझे फट से पकड़ लिया। वैसे मुझे पकड़ना मुश्किल नहीं हुई, नामुमकिन है, लेकिन पापा हमारे घर का कानून है ना, और कानून के हाथ इतने लंबे होते हैं। उन्हीं लंबे हाथों को सब पकड़ लिया और गाल पर दो तमाचे मार दिए और बोले थप्पड़ की गूंज तुम्हें हर बार सुनाई देगी। मुझे सुनाई देती है। आजकल मैंने सीधे सीधे बात करना शुरू कर दिया और डायलॉग्स पर किया है काबू। दो थप्पड़ की कीमत तुम क्या समझोगे रमेश बाबू। थैंक यू।